नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं खिड़किया घाट में हो रहे विकास कार्यों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आप मुझे सुपर थैंक्स देकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि खिड़किया घाट यानी कि नमो घाट में क्या अपडेट है और इसमें कहां तक कि इसका विस्तार हो रहा है, क्योंकि ये घाट काफ़ी बड़ा बन रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं इस समय ठीक राजघाट पुल से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। सामने ये राजघाट पुल, बिल्कुल साफ आसमान, मौसम चटक धूप खिला हुआ है। ये देख रहे हैं आप राजघाट पुल का दृश्य है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि नमो घाट पर क्या अपडेट है। देख रहे हैं सामने इधर दुकानें लगेंगी। और ये बगल में आपका ये देख रहे हैं इस तरफ CNG गैस स्टेशन। ये आपका गेट है नमो घाट के लिए। देख रहे हैं इधर दुकान भी खुलेगा भविष्य में। देख रहे हैं पानी पीने की यहाँ पर सुविधा। ये हम आ गए हैं नमो घाट के पास। चलिए और पास चलते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं सामने आप पूरा नमो घाट का दृश्य है। काफी बड़ा इलाके में इसको जो है विस्तार किया जा रहा है। और बनारस का सबसे आधुनिक घाट है ये, जिसका काफ़ी दूर तक विस्तार किया जा रहा है। आज मैं आपको कहां तक इसका विस्तार हो रहा है वहां तक का दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन था 7 तारीख को, लेकिन यहाँ वो आए नहीं, उद्घाटन उन्होंने रिमोट के द्वारा कर दिया, क्योंकि यहाँ अभी काम काफ़ी चल रहा है। इधर देख रहे हैं आप नदी के अंदर फ्लोटिंग CNG गैस स्टेशन। और ये आप देख रहे हैं
फ्लोटिंग चेंजिंग रूम जो नया बना है। और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए और पास चलते हैं। ये रैंप देख रहे हैं दोस्तों, ये अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पर नहाने का सुविधा है फ्लोटिंग स्टेज के पास, ये आप देख रहे हैं। और ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, दूर देख रहे हैं, दूर नदी के उस पार का दृश्य। ये आपका नदी के उस पार का दृश्य है। और ये सामने देख रहे हैं आप राजघाट पुल पर से ट्रेन गुजरती हुई। चलिए दोस्तों और आगे दिखाते हैं कहां तक के घाट का विस्तार किया जा रहा है। खूबसूरत सामने दृश्य नमो घाट का, इसी कारण इसका नाम नमो घाट पड़ा। ये माँ गंगा को नमस्कार की मुद्रा में हाथ यहाँ पर खड़े हैं। देख रहे हैं इधर भी अभी घाट का निर्माण हो ही रहा है, अभी काम काफ़ी यहाँ पर कुछ बाकी है। ये देख रहे हैं नया घाट बन रहा है और इसके आप सामने और दूर जाएंगे, आगे जाएंगे तो वहाँ तक के जो है घाट का निर्माण हो रहा है। चलिए वो उस ट्रक के आगे आपको चलकर दिखाते हैं। देख रहे हैं दोस्तों जितना यहाँ पर बालू गिट्टी सब रखा हुआ है, ये सब यहाँ पर नया घाट बन रहा है। ये देख रहे हैं दोस्तों पूरा काफ़ी दूर तक के ये नमो घाट का विस्तार किया जा रहा है।
चलिए और आगे चलकर दिखाते हैं वहाँ से दृश्य। बनने के बाद ये घाट काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देख रहे हैं नदी में फ्लोटिंग ब्रिज यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अभी इसको सबको जोड़ के आपस में देख रहे हैं घाट काफ़ी ऊपर तक के, इसको कम से कम 20-25 फुट इसको ऊपर नदी से बनाया जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आगे में आपका शाही नाला है, उसको भी मैं दिखाऊंगा कि उसकी क्या स्थिति अभी है शाही नाले की, क्योंकि काफ़ी पहले वहाँ पर पूरे बनारस का सीवर पानी गंगा में सीधे जाता था। वीडियो के माध्यम से उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ये नदी का विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। और ये नमो घाट सामने, चलिए और आगे चलकर दिखाते हैं आपको। ये तल से देख रहे हैं कितना ऊंचा बनाया जा रहा है ये घाट, और काफी मजबूती से जो है घाट का निर्माण किया जा रहा है। देख रहे हैं ये पूरा बालू से इसको पाटा जा रहा है घाट के ऊपर वाले भाग में। ये देख रहे हैं आगे भी घाट का निर्माण किया जा रहा है। ये सब आपका नमो घाट फेज 3 के अंतर्गत आएगा। दोस्तों ये देख रहे हैं इसका नाम है शाही नाला, और ये आपका नाला जो है वो मुगल काल में बना था, इसका निर्माण हुआ था। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं जहाँ से पानी बह रहा है, इसको अंग्रेजों के समय में सीवर की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था, और पहले ये सुरंग हुआ करती थी। देख रहे हैं पूरा सफाई होने के बाद इसमें पानी जो है सीवर का जा रहा है। 7 सालों में इस नाले की सफाई हुई है। पहले इसमें 120 MLD पानी सीधे जो है सीवर में गंगा नदी में गिरता था, और 85 करोड़ की लागत से इस नाले की सफाई हुई थी। देख पा रहे हैं आप, ये शाही नाला के रूप में इसको जाना जाता है, और पूरे बनारस की काफी हद तक जो है सीवर समस्या इसी से दूर होती थी। और ये सामने आप देख रहे हैं इस नाले के उस पार
भी घाट का निर्माण किया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ मछली पकड़ा जा रहा है नीचे में। और ये शाही नाले का सीवर का पानी जो है नाले के द्वारा सीधे गंगा नदी में गिर रहा है। तो पहले ये काफ़ी गंदा सा नाला, लेकिन अभी इसकी सफाई हुई है। ये आप देख रहे हैं सामने में गेट है उसका, जहाँ से सीमित मात्रा में साफ करके पानी को जो है गंगा नदी में छोड़ा जाता है। ये देख रहे हैं पानी आप। दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया नमो घाट में हो रहे नए नए घाट का निर्माण, जो काफ़ी बड़े पैमाने पर विस्तार इसका किया जा रहा है। आगे भी इसके बारे में अपडेट देते रहूँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वापस चलते हैं नमो घाट की तरफ। देख रहे हैं आसमान बिल्कुल नीला और उसमें सफ़ेद बादल, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। और ये पूरा बालू का ढेर है इसको ऊपर में, घाट के ऊपर में फैलाया जा रहा है। इस तरफ काफ़ी हरियाली है दोस्तों, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं ज़बरदस्त हरियाली है। और यहीं पर आपका घाट का निर्माण किया जा रहा है नमो घाट के आगे, जिसका समय समय पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहूँगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।
आया है।